सऊदी प्रिंस ने इजराइल हमास को भारत जैसा बनने की दी नसीहत, दोनों पर जमकर बरसे। गाजा में चल रहे युद्ध पर सऊदी अरब के एक प्रिंस और देश के पूर्व खुफिया प्रमुख तुर्की अल फैसल ने हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय में उनका ये भाषण इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित है, जिसमें उन्होंने भारत के स्वाधीन संग्राम में ब्रिटिश कब्जे के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी उदाहरण दिया है। संबोधन का वीडियो 78 वर्षीय प्रिंस के ये कहने से शुरू होता है कि सभी लोगों को कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक कि सैन्य रूप से भी। सऊदी प्रिंस ने कहा कि इजराइल के पास जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है और दुनिया गाजा में उसके द्वारा मचाई जा रही तबाही देख सकती है। हमास पर निशाना साधते फैसल ने कहा कि मैं हमास द्वारा नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा करता हूँ, जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है। इस तरह निशाना बनाना हमास की इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। निर्दोष बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की हत्या और पूजा स्थलों को अपवित्र करना इस्लाम में निषेध है। सऊदी प्रिंस ने इजरायली सरकार को उच्च नैतिक आधार का उपहार देने के लिए भी हमास की आलोचना की और कहा कि दो गलत एक सही नहीं बन जाते।